हमारे चैनल में आके ले जाओ रोजगार। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को कि जिसको जो ज़रूरतमंद है इस वीडियो को पा सके और अपने गवर्नमेंट जॉब की सुविधा ले सके। और तो शुरू करते हैं, 15 क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम जो SSC रेलवे पुलिस और UP लेखपाल ETC जो भी। पहला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपको बताना है तो है विटामिन B1 के। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, मेढक में दांत होते हैं होमोडोर? ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से जो है ग्लूकोज संबंधित है, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, दांत का शिखर बनना बनना होता है, दांत का शिखर बनना क्या होता है? तो वो होता है डेटिन, डेटिन होता है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। संक्रमी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? संक्रमी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या है? वो है एंजाइम। ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इनका संग्रह होता है यकृत या पेशियों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो कौन सा तत्व है जो दांत इनेमल को कठोर बनाता है? फ्लोरीन। ठीक है, पित्त का मुख्य कार्य है पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन में, जलन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। DNA में होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। 13वां क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? ग्लूकोज एंड फक्टोज। यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय से में किसके द्वारा पहुंचता है? तो यकृत द्वारा बनाया पित्त जो है पित्ताशय से में किसके द्वारा पहुंचता है? तो है सिस्टिक डक्ट के। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा डाइसेक्राइड है? वह है मल्टोज। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए।